तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज के दिन हम बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। तो देखा जाए, मैं स्टॉक के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके अंदर एक पॉजिटिव बात भी है, साथ में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉजिटिव बात। स्टॉक इतने टाइम से जो गिरावट में था, उसका बदले में अब वो वापस बूम आ रहा है, ये आप सभी को पता है। लेकिन इस साथ ही में एक पॉजिटिव न्यूज़ और आ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला है स्टॉक में और बिना रुके एक सर्किट चला है। तो बात करेंगे वो न्यूज़ क्या है। तो उससे पहले बता दूँ, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फाइनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिसको आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर चले न्यूज़ बेसिस पे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट अनलॉक आइडिंग टाटा अडानी पावर एंड क्लेम प्राइस ऑन एनर्जी एक्सचेंजेस। तो ये वाली न्यूज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रही है बॉस आपको, और मैं सुनाऊँ तो आप पढ़ सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको मेन मेन हेडलाइन पढ़ा देता हूँ, आप अगर देखें तो द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड टाटा एंड अडानी ग्रुप टू सेल इलेक्ट्रिक फ्रॉम आइडल कैपेसिटी एंड देयर इम्पोर्टेड कोल बेसिस प्लांट इन गुजरात ऑन एनर्जी एक्सचेंज फॉर अ मंथ टू चेक द स्पाइक ऑफ पावर प्राइसेस ट्रिगर्ड बाय कोल शॉर्टेज इन, देख सकते हैं, 73 जनरेशन स्टेशन। बट इवन एज अ गवर्नमेंट इज ग्रैपलिंग द क्राइसिस ऑफ पावर प्लांट एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉइंट चोरकस एंड फ्यूल स्टोरेज फॉर देयर कैपिटिव जनरेशन यूनिट द इन द लेटर पेशन ऑफिशियली एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ अलाइड ड्रेस्टिक सटलमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टेड सप्लाईज बाय द कोल इंडिया लिमिटेड पेरापास बिकॉज देयर वर बी अ डिवर्स एंड मैनली जनरेशन स्टेशन। तो ये न्यूज़ के बाद आपको स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिली। बात करूँ, बहुत दिनों से पॉजिटिविटी चल रही है, महीने भर में 6% ऊपर है, लेकिन लगभग इसको 33% जंप आ चुका है। और अगर 6 महीने का जंप देखे तो वो वापस देखने को मिल रहा है आपको। मैंने आपको कहा था जब 100 रुपये क्रॉस करेगा उसके बाद रुकेगा ही नहीं, और वो रुका ही नहीं, वहाँ तक आ चुका है। 100 रुपये कल के दिन क्रॉस करने की बात है, मतलब आज के दिन ही। और बात कर ले अगर 5 साल की, तो उसके अंदर भी जंप है, 1 साल के अंदर भी जंप है और मैक्स के अंदर भी जंप है। मैक्स के अंदर थोड़ी गिरावट है 4% की, कल खुल सकती है अगर देखा जाए 4.50 की। आज ऐसा सर्किट अगर आ जाता है कल के दिन भी, तो कल के बाद ये पूरी हर एक डेट के अंदर पॉजिटिव रहेगा। बात कर लेगा इसके फाइनेंशियल की, तो उसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि हर क्वार्टर में रिटर्न, सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में और जून में, हर क्वार्टर में, और जो सितंबर वाला क्वार्टर सभी के लिए बुरा गया, वहाँ इसकी नेट इनकम देख के आप चौंक जाएंगे। बहुत ही गजब आई है, आप देख सकते हैं, इतनी बढ़िया लगी मुझे इसकी नेट इनकम हर एक क्वार्टर में, जिसका परफॉर्मेंस आप लगा ही नहीं सकते। तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे लगी जिसके रिटर्न्स आपके सामने हैं। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।